कंठ कोकिला विद्याधरी बाई, मौसिकी और बगावत की संगम। सुरीले दिनों की दास्तान सुनना शुरू कर चुके तमाम सामईन को नमस्कार और आदाब। आज जिस अजीम शख्सियत की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं, वह न सिर्फ अपने जमाने की बेहतरीन गुलूकारा थी, बल्कि बड़ी मलका जान, गौहर जान और जानकी बाई की तरह शेरो शायरी भी किया करती थी। इसके अलावा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों को बेहिसाब पैसे दिया करती थी, आज़ादी के तराने लिखती और खुद गाती थी। जब वे भजन गाती तो लगता भक्तिकाल की कवित्री मीराबाई शायद ऐसी ही रही होंगी। वे जब ख्याल, टप्पा, तराना, सरगम और ठुमरी गाती तो इसके लिए कोई मिसाल ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता। जी हाँ, यह बेमिसाल गायिका थी शहर बनारस की विद्याधरी बाई, बनारस के राजा की दरबारी गायिका, जो बेहद मुहज्जब, खुश अखलाक और रहमदिल थी। विद्याधरी हिंदी के अलावा उर्दू, गुजराती और मराठी जबान तो जानती ही थी, बांग्ला में वे ऐसे गाती थी जैसे यही उनकी मादरी जबान हो। मुख्तसर ये कि वे कुछ भी गाती तो महफिल लूट लेती थी। लखनऊ अगर अपनी खास तहजीब, खानपान और मौसिकी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर शहर रहा है, तो बनारस भी अपने अलग मिजाज, अलग ठुमरी, खाने पीने की अलग रवायत का एक मस्त मलंग शहर है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न पा चुके मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां तो यहाँ तक कहते थे, जो मज़ा बनारस में वो न पेरिस में न फारस में। उस्ताद बिस्मिल्ला खां अपने प्रोग्राम के सिलसिले में दुनिया भर में घूमते रहते थे, लेकिन चैन और नींद उन्हें बनारस में ही नसीब होती थी। बनारस दरअसल ऐसा शहर है जिसके जर्रे जर्रे में मौसिकी और अपनाइयत मिली हुई है। बनारस के लोगों ने जिस मुश्तरका तहजीब को सदियों से बनाकर रखा है, वह मंदिरों और घाटों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर बनारस में ही मुमकिन है। कहते हैं कि पेंशन के सिलसिले में सन 1827 या 1828 में दिल्ली से कलकत्ते के सफर पर निकले मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने दिल्ली से कलकत्ते का सफर 10 महीने में पूरा किया और इन 10 महीनों में अकेले बनारस में उन्होंने 5 महीने तक कयाम किया था। सुबह बनारस की खूबसूरती पर फिदा होकर गालिब ने फारसी में चरागे दैर नाम से 108 अशार की मसनवी लिखी। चरागे दैर का मानी होता है मंदिर का दिया। इस मसनवी में उन्होंने बनारस शहर की तहजीब की तारीफ करते हुए इसे हिंदुस्तान का काबा कहा है। वे कहते हैं, मरहबा, अगर बनारस को उसकी दिलकशी और दिल नशीनी की वजह से सुबेदाए आलम कहूं तो वजह है। मरहबा, इस शहर के चारों तरफ सब्ज गुल की ऐसी कसरत है कि अगर इसे जमीन पर बहिश्त समझूं तो रवा है। मिर्जा की बनारस पर लिखी यह मसनवी अपनी मिट्टी और तहजीब से गहरी मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जो मजहबी अकीदों से यकीनन अलग थी और जिसका मजहब था इंसानियत। इसी शहर बनारस में मीर रुस्तम अली ने सन 1735 में काशी के सबसे बड़े जल उत्सव बुढ़वा मंगल की शुरुआत की थी। बुढ़वा मंगल के दिन फूल पत्तियों से सजी धजी नाव पर सफेद कपड़ों से चंदवा तनता था, मसालें जलती थी, लाल नीली महताबी रोशनी से संगीत की महफिलें गुलजार होती थीं। उस वक्त बनारस के राजा सोनमुखी या मोर पंखी वाले बजरे पर निकलते थे, उस बजरे पर उनकी मसहरी खास तौर पर देखने की चीज हुआ करती थी। माल ढोने वाली बड़ी नाव यानी पटेला के साथ छोटी नावें जोड़ दी जाती थी, जिसे झूमर कहा जाता था। कई पटेले एक में जोड़ दिए जाते तब उसको किच्छा कहा जाता था। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता के रईस इसमें शामिल होते थे। मौसिकी की महफिल रात भर चलती थी।
ध्रुपद धमार ख्याल के अलावा ठुमरी और चैती रात भर गाई जाती थी। इस बुढ़वा मंगल की महफिल की कई सरताज गायिकाएं थीं, जिनमें सरस्वती बाई, विद्याधरी बाई, हुसनाबाई उर्फ हुसना जान, बड़ी मैना, छोटी मैना, मोती बाई, राजेश्वरी बाई, तोखी बाई, छोटी मोती, टामी बाई को खास तौर पर चाहने वालों के किस्से आज भी बनारस के बुजुर्गों की जुबान पर आ जाते हैं। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत औरतों में शुमार विद्याधरी बाई सन 1881 में बनारस के पड़ोसी जिले चंदौली के जसुरी गांव में पैदा हुई थी। जसुरी गांव ने सुरों की कई मलकाओं को पैदा किया है। यह बात दीगर है कि अब इस गांव के लोग ना तो विद्याधरी बाई को जानते हैं ना चंदाबाई को। लोग तो यह भी नहीं जानते कि रियासत इंदौर की मशहूर डांसर कैसरबाई का ताल्लुक भी जसुरी से ही था। बिहार के नालंदा के अमावा स्टेट की मशहूर गायिका लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि भी जसुरी ही थी। इन तमाम कलाकारों ने अपनी जिंदगी की आखिरी शाम जसुरी में बिताई थी। विद्याधरी की मां मट्टा देवी और उनके दादा पुरुषोत्तम राय भी अपने जमाने के बड़े संगीत साधकों में गिने जाते थे। बनारस के मशहूर सारंगी वादक राम सुमेरु मिश्र, दरभंगा के उस्ताद नसीर खां बसीर खां और आखिर में संगीतकार दरगाही मिश्र से विद्याधरी ने मौसिकी की बाकायदा तालीम हासिल की थी। संस्कृत के कवि जयदेव की कविता गीत गोविंदम की बेमिसाल गायिका के रूप में विद्याधरी को इतनी शोहरत मिली कि वह हिंदुस्तान की कई रियासतों में बुलाई जाने लगी, जहां उन्हें खूब दौलत और शोहरत मिलती थी। उस वक्त जसुरी गांव में विद्याधरी का इकलौता तिमंजिला मकान था, जिसमें बेल्जियम में बने झूमर लटकते थे। बड़ा सा एक बागीचा था जिसमें आम, लीची, बेर, आंवला, खजूर और नारियल के पेड़ों के नीचे मौसिकी के कद्रदानों को ठहराने के लिए आलीशान कमरे बने हुए थे। इन्हीं कमरों में आज़ादी के दीवाने भी आकर ठहरा करते थे। बगीचे में एक पक्का कुआं बना हुआ था, जिसे उन्होंने बगीचे की सिंचाई करने के लिए बनवाया था। तिमंजिले मकान में दो बड़े हॉल बने हुए थे, जहां बैठकर विद्याधरी रियाज किया करती थी। छोटे भाई सरयू राय और भतीजे भगवती राय के परिवार के साथ जिंदगी के आखिरी दौर में विद्याधरी बाई जसुरी गांव में ही रहा करती थी। गांव के लोग उन्हें बुआ यानी फूफी कहते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में बनारस के कई चौराहे और गलियों में तवायफों की महफिल सजती थी। बनारस के राज दरबार, रईसों की कोठियों के अलावा मंदिरों और मठों में भी तवायफों की महफिल जमती थी। विद्याधरी बाई की महफिल अक्सर शाम 6 बजे के बाद सजती थी, जिसमें मिलने वाले पैसों को वह चुपके से क्रांतिकारियों को दे दिया करती थी। कई बार गोरे हाकिमों ने विद्याधरी के यहाँ छापा भी मारा था। विद्याधरी बाई के कोठे पर अक्सर खड़ी महफिल लगा करती थी। खड़ी महफिल यानी भीड़ की वजह से जहां खड़े होने भर को जगह मिल जाए। उनकी ठुमरी, चैती, टप्पा और ख्याल की बंदिशें ऐसी होती थी कि लोग घंटों सुध-बुध खोकर सुनते रहते। सन 1930 में जब हिंदुस्तान की आजादी की जंग अपने उरूज पर थी, तो विद्याधरी बाई ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के कहने पर बिलायत में बने कपड़ों का उन्होंने बायकॉट कर दिया। हिंदी के नामचीन नाबिल निगार अमृतलाल नागर ने 50 की दहाई में एक किताब लिखी थी, ये कोठे बालियां। इस किताब में उन्होंने साहित्य सदन अमृतसर से सन 1929 में छपी एक किताब बरबधु विवेचन के हवाले से लिखा है कि सन 1929 में बनारस में महात्मा गांधी ने तवायफ सभा के एक जलसे में तकरीर करते हुए तवायफों से आजादी की लड़ाई में शाना बशाना साथ देने की गुजारिश की थी।
तवाइफ सभा के इस जलसे की सदारत हुस्नाबाई ने की थी और हुस्नाबाई ने इस मौके पर शानदार भाषण दिया था, जिसे वरवधू विवेचन नामक किताब में आप पढ़ सकते हैं। इस जलसे के तमाम इंतजामात का जिम्मा विद्याधरी बाई ने उठाया था। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में बनारस की तवाइफों से कहा था कि वे लोग ब्रिटिश हुकूमत की मुखालफत के तौर पर लिखे जा रहे गीत गाएं, मुमकिन हो तो खुद लिखें और तमाम रियासतों की रियाया के बीच जाकर गाएं। विद्याधरी बाई ने गांधी जी की इन बातों को दिल से सुना और निभाया। उन्होंने एक गीत लिखा था, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए, ये हिंद का बागीचा गुलजार रह न जाए। ये वो चमन नहीं है लेने से वो उजाड़, उल्फत का जिसमें कुछ भी एहसान रह न जाए। भर दो जवान बंदों जेलों में चाहे भर दो, माता पे कोई होता कुर्बान रह न जाए। छल को फरेब से तुम भारत का माल लूटो, इसके लिए यहाँ कोई सामान रह न जाए। यह गीत जरा लंबा है, जिसे अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। विद्याधरी बाई ने न सिर्फ इस गीत को लिखा बल्कि इसे खुद संगीतबद्ध किया और गाया भी। वतन परस्ती के इस गीत को वे किस धुन में गाती थी, यह बताने के लिए इस गीत का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जानी मानी गायिका शुभा मुद्गल ने विद्याधरी बाई के इस गीत को गाया है, जिसका म्यूजिक उनके शौहर अनीस प्रधान ने दिया है। उनकी गायकी का अगर आप भी मजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए उनके गाने के लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि हिंदुस्तान में वतन परस्ती का पहला मुजरा विद्याधरी बाई ने ही गाया था। मुजरे से उन्हें जो आमदनी होती थी वह सारा आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को वे दे दिया करती थी। उनकी आवाज में ऐसी खनक थी कि राहगीरों के पांव खुद ब खुद रुक जाते थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को पकड़ने के लिए जब पुलिस जगह जगह छापेमारी करती थी तो विद्याधरी बाई उन्हें अपना साजिंदा बताकर घर में छिपा लेती थी। एक तरफ जहां वे बेहतरीन गायिका थी, वहीं दूसरी तरफ वतन परस्त और धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। अपने इंतकाल से थोड़ा पहले उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मौत से महज एक दिन पहले वह अपने गांव जसुरी से बनारस के मिश्र पोखरा इलाके में बने मुक्ति भवन आ गई, जहां सोमवार 10 मई 1971 को तकरीबन 3 बजे सुबह इस दुनिया से वे रुखसत हो गईं। तो ये थी विद्याधरी बाई की दास्ताने जिंदगी और दास्ताने मौसिकी। अगली दास्तान हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।